व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मतलब देखने से पहले किस किस ने लाइक बटन दबा दिया है इस वीडियो का बताना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि दी मैंने ना आपका वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया है। तो ये जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शाम के बज रहे हैं 6:15, जब आप देखोगे ये वीडियो तब तो सुबह होती होगी, है ना। मॉर्निंग के टाइम पर ही मैं मोस्टली अपनी वीडियोस पब्लिश कर रही हूँ और मैं कर क्या रही हूँ, ये काया का सीसी क्रीम है, इसे पंप कर रही हूँ पर ये निकल नहीं रहा है और ये ख़त्म वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बस ये निकल नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसको। वैसे काया का ये सीसी क्रीम मुझे बहुत पसंद आता है, ये ऑल इन वन स्किन बेनिफिट के साथ आता है, SPF 25 है और ऑल स्किन टाइप भी है, पर ये निकल क्यों नहीं रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ दिस। मुझे लग रहा है ना सारा जो प्रोडक्ट है ऐसे रखने की वजह से यहाँ की तरफ आ गया और बड़ी मुश्किल से इतना निकला, और इससे ज़्यादा वैसे भी मुझे चाहिए नहीं। जस्ट एक फ्रेश लुक के लिए मैं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाती हूँ ना तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाती हूँ। लाइक मेकअप मुझे चार्जिंग देता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। मैं थोड़ा वियर्ड हूँ बट मेरे से भी ज़्यादा कुछ लोग वियर्ड है जिनके कमेंट्स मुझे आते हैं, तो उनमें से एक कमेंट बहुत ही क्यूट सा है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है, मैं अभी आपको वो कमेंट बताती हूँ। बट इसे थोड़ा सा लगा लूँ क्योंकि मेरे हाथ में लगा है, मेरे आँखों में थोड़ा चला गया था क्योंकि आपके साथ बात करने में मैंने यहाँ पर लगा दिया था, तो थोड़ा सा आँख में। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है बाय द वे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये एक ड्रेस पहना है, उसके साथ ये सिल्वर इयर रिंग मुझे नहीं पता कैसे लगेंगी, आई एम श्योर कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ही लगेंगी, ओके। बट पहनना तो है ही है मुझे, क्योंकि इयर रिंग से ना मुझे एक अलग ही मतलब प्यार है, ऐसा आप बोल सकते हो, वो भी बचपन से, आज से नहीं बचपन से मुझे इयर रिंग से बड़ा ही ज़्यादा प्यार है। और सुनाई आ रहा है इनकी छन छन की आवाज़, तो चलिए बाहर का नज़ारा देखते हैं जो कि मुझे आप सभी के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। ओह कुछ तो गिर गया। अच्छा एक हाथ दो कमेंट्स आए थे कि इस तरह के जो हैवी इयररिंग्स है आप घर पर कैसे पहन कर रहती हो, तो भाई मुझे है इनसे प्यार, तो वो भले ही हैवी हो या ना हो, जब प्यार होता है ना तो यार आप कुछ भी कर सकते हो, पता है आपको, कुछ भी। जैसे मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे अपने मेकअप से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, एक्सेसरीज से प्यार है, तो मैं कुछ भी कर लेती हूँ, क्रेजीपंथी। और देखिए मैं बिलीव करती हूँ क्रेजीपंथी में। एंड बाय द वे मेरे सामने शीन की वेबसाइट खुली हुई है, वो इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता है मेरा बर्थडे आ रहा है 23 अप्रैल को, और शीन ने मुझे बोला है कि आप कुछ हमारी तरफ से गिफ्ट ले सकते हो, और उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे 11 क्लोथ्स के लिए बोला है कि आप 11 क्लोथ्स लीजिए। मैंने बोला ओह माय गॉड, लाइक बहुत अच्छा लगता है कि ये सारे ब्रांड्स मुझे इतना ज़्यादा पूछते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को इतना पावरफुल बनाया कि आज मतलब जो भी हूँ आप सभी की बदौलत हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ द बेस्ट। तो अनिका देखिए कुछ कर रही है, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कहा होगी देखा। और अनिका की कल है हॉलीडे, फ्राइडे को हॉलीडे है, हनुमान जी नहीं हनुमान जी। तो काफ़ी देर से अम्मा सो रही है, आई थिंक 3:30-4 बजे से ही सो रही है, और 6:15 बज रहे। बहुत दिन से मैंने आपको मेरा बगीचा नहीं दिखाया ना, चलिए दिखाती हूँ।
कोई बात नहीं, तुम 7 साल की हो तो क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बापू को, सारे बच्चे मेरे क्लास में 8 साल के आगे, मम्मी मैं अकेली 7 साल की हूँ। मतलब बच्चे कुछ भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। और मैंने आज आइस टी बनाई थी, ये देखिए। तो यस बेटा, आइस की कॉफ़ी नहीं होती है, आइस टी होती है। तो चलिए एक और ग्लास बनाते हैं, क्योंकि पीने में मज़ा बहुत आ रहा है। और कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, तो ये देखिए आम और आम और आम। तो इतने सारे आम इसलिए आए हैं जिससे राज इनका अचार बना पाए, क्योंकि राज को कुकिंग बहुत पसंद है और राज जब तक कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट ना कर ले कैसे होगा। तो वो बनाने वाले हैं मैंगो पिकल। तैयार हो चुकी है, मैंने इसमें क्या क्या डाला है मैं क्विकली आपको बता दूं। मैंने ब्लैक टी विथ शुगर बना ली थी, उसके अंदर मैंने बर्फ डाला है और ब्लैक टी विथ शुगर को मैंने ठंडा कर लिया था। नींबू का रस डाला है, पुदीने के पत्ते डाले और थोड़ा सा और पानी डाला और ये तैयार है। ये स्ट्रॉ आज मेरे मुँह से नहीं निकलेगा, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। मैं टी की दीवानी बिल्कुल नहीं हूँ, पर आइस टी मेक्स मी फ्रेश। आपको क्या पीना अच्छा लगता है गर्मियों में बताना, इस नज़ारे के साथ हुआ। लोग चाय पीना पसंद करते हैं, बट आई लव ड्रिंकिंग आइस टी, और ये सीजन की फर्स्ट आइस टी है मैंने बनाई है। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। गाना मैं अभी सुन रही थी and it's so romantic यार, I love romantic song। and मैं काम करते करते बस एक दो गाने सुन लूँ ना रोमांटिक वाले, बाय द वे MS धोनी वाले जितने भी सॉन्ग्स थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते, वो वाला तो मेरा फेवरेट है। जब तक तेरी याद वो गाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक कुछ गाने होते हैं ना जो कितनी भी बार सुन लो मन नहीं भरता। ओह गॉड, आई एम अ बिग बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग फैन। ओके, मैं बहुत बड़ी हूँ, लाइक ये सारे सॉन्ग्स मैं दिन रात सुन सकती हूँ। अपनी आइस टी को वापस रख रही हूँ, सो आई कैन एन्जॉय एनी टाइम माई आइस टी, राइट। आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ पता है आपको, मुँह पर आ नहीं रहा है, डोसा इडली और सांभर। मेरे मुँह पर सांभर नहीं आ रहा था। पहले वे सांभर के लिए ना मुझे एक चीज़ चाहिए होगी, इमली। मुझे इमली भी मुँह में नहीं आ रहा था, इमली भिगो देती हूँ।
तो बाल ऊपर बांध लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, जैसे कुकर की सीटी हो गई थी, चाय वगैरह अम्मा को देने के बाद राज आ गए थे, उनके साथ राधा कृष्ण देख लिया है मैंने, और अब मैं जो सांभर है उसकी आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ उस तरीके से। मैं बहुत मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ सांभर बनाने में, पर सांभर के पैकेट पर जिस तरह से रेसिपी लिखी है उसी को मैं फॉलो करती हूँ। तो सारे वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली है, बस इसमें पम्पकिन नहीं है क्योंकि पम्पकिन से शुगर लेवल बढ़ता है, शायद ऐसा कुछ है, इसलिए मैंने पम्पकिन नहीं डाला। बाकी ड्रमस्टिक, भिंडी, बैंगन, गाजर, वैसे गाजर भी अच्छा नहीं, बट इतू सा टुकड़ा लिया गाजर का। तो जो दाल मैंने कुक कर ली थी ना, वो सारी चीज़ों के साथ अभी एक दो बार विसल्स लगाऊंगी और सांभर मसाला डालकर उसे विसल लगा लूँगी। सब चीज़ें बनी रही है साउथ इंडियन स्टाइल में, तो नारियल की चटनी क्यों ना बने। डोसा मैं बना रही हूँ, उसके साथ सांभर बना रहे, तो फिर नारियल की चटनी भी बनेगी, इसलिए नारियल को भी बारीक बारीक काट रही हूँ। तो नारियल की चटनी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, इसलिए दिखाई देती हूँ, जब इतना सब दिखा रही हूँ तो वीडियो ना दिखाऊ जाए। वैसे आपको साउथ इंडियन फूड कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। साउथ इंडियन फूड एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हो, और हेल्दी तो होता ही होता है, और मसाले भी नहीं होते, और एक अलग ही मतलब फ्लेवर होता है साउथ इंडियन फूड्स का, मेनली डोसा, इडली, सांभर का, जो कि मतलब बेस्ट ही लगता है, कभी भी खाओ अच्छा ही लगता है। तो नारियल की चटनी बन चुकी है, अब मैं बनाऊंगी सांभर। सांभर को मेनली हम तड़का देंगे, और तड़के के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, और वो तड़के की खुशबू सुनने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे वो तड़के वाली जो सांभर वाली खुशबू आती है ना, वो जो घर में थोड़ा सा फैल जाती है तब पता चलता है कि जी हाँ साउथ इंडियन खाना बना है घर पर। तो चलिए बनाते हैं, मतलब मेरी एक्साइटमेंट देखिए। आई लव मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एवरी डे, मतलब रोज़ का खाना बनाने बोलो ना मेरा मुँह ऐसा हो जाता है, बट कुछ नया बना रही हूँ ना अच्छा लगता है। और बहुत दिनों के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक मैं साउथ इंडियन फूड डिनर के लिए बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मेरे घर में ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे संडे इडली रहता है, पर आज साउथ इंडियन डिनर है। तो अभी मैं आपको दूंगी डिस्क्लेमर 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 यह है कि मैं डोसा बनाने में बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ, मैं अपने तरीके से डोसा बनाती हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे तरीके वाला डोसा खाकर खुश है। अगर आप मेरे डोसे को मार्केट वाले डोसे से कंपेयर करेंगे तो भाई सही नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल डोसा बनाने में माहिर नहीं हूँ। मेरा डोसे का साइज़ भी थोड़ा छोटा रहता है, और वो वैसा नहीं दिखता जैसे मार्केट का डोसा दिखता है, और मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मैं अपने डोसे को मार्केट वाले डोसे की तरह बनाऊं, पर मेरी बहुत बार मतलब धजियाँ उड़ गई है, इसलिए प्लीज़ बिल्कुल मत बोलिएगा कि मेरा जो डोसा है डोसा नहीं लग रहा है। आई नो डोसा नहीं लग रहा, इसलिए आप इसे किरण का डोसा बोल सकते हैं, जिससे डोसे की बदनामी नहीं होगी और किरण के डोसे के साथ उसका नाम वो रहेगा। ठीक है, तो बनाते हैं, और मैंने राज को बोला कि आप खाना खाने बैठिए, मैं गरम गरम बना बना कर देती हूँ, पर राज ने बोला, जो कि मेरे दिल को छू गई वो बात,
खाने का मज़ा सबके साथ आता है। तो मैंने बोला यार खाने का मज़ा गर्मा गर्म भी आता है, बोले नहीं वो मज़ा और सबके साथ खाने का मज़ा अलग है। तो मैंने बोला चलो भाई बना लेती हूँ सबके दोस्त और फिर एक साथ खाते हैं। ओके तो अम्मा गई है, बाथरूम आ रही है और मेरा लास्ट वाला डोसा अभी पक रहा है। डोसा बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, तो ये मेरे स्टाइल का डोसा है। सो राज रिव्यू दे दो। अच्छा सो सांभर थोड़ा मुझे लग रहा है। अरे मेरे का लेट रिव्यू कर लेते हैं। हां तुम भी रिव्यू दे दो बेटा, खाकर बताएगी। सांभर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो कल सुबह भी उसे खा सकते हो। और बासी चीजें ना खाने में और अच्छी लगती है, मैंने देखा टेस्ट बढ़ जाता है। हाँ ये स्पाइसी है, ठीक है स्पाइसी है, दाल स्पाइसी है। नहीं तो पापा तो बोल रहे थे ये दाल स्पाइसी है। नारियल की चटनी ना, नारियल की चटनी भी अच्छी। अम्मा और देखिए राज मस्त नीचे ज़मीन पर बैठकर क्या कर रहे हैं, आम के छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में क्या बनने वाला है। मैंने आम का ग्रीन अचार बनाया था, तुमको रेड वाला अच्छा लगता है। यस तो मैंने बोला तुम्हारे लिए रेड वाला बना देता हूँ। तो ये कितने किलो आम है? 4 किलो ना। तो 4 किलो आम। इसमें मुझे कोई हेल्प तो करने वाला नहीं, बस कैमरा लेके बैठने वाले हैं। बनाना मेरे को ही। चलो हेल्प कर देती हूँ मैं, क्या करूँ बताओ बताओ। लड्डू ये काम में इतना आम बचा कर देते हैं। हाँ काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, आम का साइज भी बहुत बड़ा है आप देख सकते हो, तो काफ़ी नहीं बड़ा वाला ऐसे बनता है ना लाल वाला छोटा छोटा। हाँ मुझे लग रहा है और छोटा होएगा ना, और छोटा भी काट क्योंकि जो हम लोग मार्केट से लेते हैं उसका थोड़ा साइज थोड़ा छोटा होता है। हाँ राइट, लेकिन इतना छोटा बहुत छोटा लगेगा क्या, हो जाएगा क्या छोटा काट दूं? मुझे भी लगता है छोटा काटा जाता है कि अचार कोई ज्यादा खाता नहीं ना। हाँ वो फिक जाता है फिर। नहीं छोटा ही काटो यार, छोटा काटो। मैं मेरे से तो बहुत ज्यादा अचार फिकता है, मैं ले तो लेती हूँ पर पूरा बहुत रेयर खत्म कर पाती, मेरे से तो अक्सर हो जाता है। ओके तो काफ़ी वियर्ड दिख रही हूँ मैं। तो गली बॉय मैंने हाफ मूवी देखी अमेजोन प्राइम पर, फाइनली गली बॉय आ चुकी है और राज ने सारे आम काट दिए हैं और उसे ड्राई होने के लिए क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल पर सुखा दिया है जिससे सुबह तक ड्राई हो जाएंगे और कल सुबह फिर राज बनाएंगे आम का अचार। उन्हें ना ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत लाइक बड़े ही मन से ये सारी चीज़ें करते हैं और उनका जो बनाया हुआ लाइक अचार वगैरह 2 बार वो बना चुके हैं और दोनों अचार इतने अच्छे बने कि आई एम श्योर कि जो मार्केट में मिलने वाले अचार को अगर आप खाओगे और इसको खाओगे तो आप भी यही बोलोगे कि ये बेस्ट है। मतलब मैंने कभी किसी मतलब आदमी को मतलब
मेल को नहीं देखा है कि वो इतना अच्छा अचार बनाता है, मुझे नहीं पता, बट जब राज बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैंने पहली बार देखा उन्हें बनाते हुए, इससे पहले भी उन्होंने कभी नहीं बनाया, बट दिस ईयर ही इज़ लाइक मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो जॉब छोड़ने के बाद उनको जो भी मतलब करने का मन है ना वो कर रहे हैं ना, वो मुझे सबसे बड़ी मतलब अच्छी वाली फीलिंग देती है। क्योंकि एक साल पहले जब वो जॉब छोड़े थे, मतलब उन्होंने आई थिंक 7 मई को जॉब छोड़ा था, जियो में थे वो, तो जब उन्होंने जॉब छोड़ी थी तब मैं जानती थी कि मतलब इन्हें अपने सारे पैशन जो है वो कंप्लीट करने हैं, बट अचार बनाना वगैरह भी उनके एक बकेट लिस्ट में से एक ही मुझे नहीं पता था। बट बिलीव मी, बहुत अच्छा लगता है जब आप जो चाहते हो वही करते हो ना, दी बेस्ट वाली फीलिंग होती है, दी बेस्ट। समझ लीजिए आपको कोई कपड़ा पसंद है और आपने वो पहन लिया तो आपको कैसी फीलिंग आती है, बेस्ट आती है ना, वैसे वाली फीलिंग होती है। और जब आपका पार्टनर इस तरह से लाइफ में जो करना चाहता है वो कर रहा है, उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मैंने उन्हें बोला कि आपको जो करना है करो, मुझे जो करना है वो करने देते हैं, तो दैट्स द थिंग जो कि लाइफ परफेक्ट बनाती है, बिलीव मी। और अभी राज आई थिंक अनिका सो गई है और राज आई थिंक मोबाइल चेक कर रहा है, सो चलिए मैं भी सो जाती हूँ, ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड हाँ, लेट मी नो अबाउट योर पैशन एज वेल, ओके। आपका पैशन क्या है जिसे आप एक्चुअली करना चाहते हो, आपकी बकेट लिस्ट में क्या है बताना ज़रूर। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, आजकल लाइक्स कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तो बस वीडियो देखकर जाना नहीं है, लाइक की बटन को पक्का प्रेस करना है। अगर आपको कुछ भी इतना सा भी पसंद आया तो पक्का करिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू।